अखबार नहीं जिससे कम तर आंकते हुए मिसाल दी जाती थी कि बिक गया भूस के भाव यानी बेहद कम दाम। अब भूसा गेहूं के आसपास ही कीमत वाला हो गया है। गेहूं फसल की कटाई अभी चल रही है लेकिन भूसे का दाम 1300 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है जो इन दिनों आमतौर पर 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता था। इतना ही नहीं गांवों में जहां गेहूं का भाव 21 रुपए किलो है वहीं खुदरा में भूसा 18 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। भूसे का स्टॉक लगातार महंगे दाम में बेचने वाले लोग गांव-गांव में सक्रिय हैं। गेहूं की फसल के दौरान पशुओं के लिए चारे का ऐसा संकट पहली बार हुआ है कि भूसा खरीदने में पशुपालकों के पसीने छूट रहे हैं। इस बार भूसा गत वर्ष की तुलना में दो गुना दाम पर बिक रहा है। बढ़ी कीमतों ने गौशालाओं में बंधे सैकड़ों बेसहारा पशुओं के चारे पर भी संकट खड़ा कर दिया। कन्नौज गांव के किसान एवं पशुपालक आस मोहम्मद का कहना है कि गांव में अभी से ही भूसे की भारी किल्लत हो गई है। 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भूसे के दाम हो गए हैं और ढूंढे नहीं मिल रहे। भूसा पुआल चूरी चोकर पशु चारा इतना महंगा हो गया है कि छोटे बड़े पशुपालकों का बजट गड़बड़ा गया है। अब गेहूँ करीब 21 रुपए और फुटकर में भूसा 18 से 20 रुपए प्रति किलो का भाव है। पिछले चार दिनों में भूसे के दामों में करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। आम पशुपालकों के लिए भूसा खरीदना चुनौती बना हुआ है। प्रशासन भूसे का भंडारण कर पशुपालकों का आर्थिक शोषण करने वालों पर अंकुश लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।